YouTube चैनल मुंडारी तुल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नीरज मुंडा। आज का ये वीडियो मुंडारी सेशन मुंडारी ग्रामर का एपिसोड 4 है। आज के इस एपिसोड में हम लोग मात्रा के चिन्ह मात्राएं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नाम पढ़ा हुआ बनी तुम चिन्ह को नया हिंदी बाबा मात्रा चिन्ह दो बनी तुम नेहरा ओडोमिया दुतुम में ना बनी ओतुम दो दो बनी तुम चीना को यानी मात्रा चिन्ह मोनो बनी यानी स्वर वर्ण रा आ एस कर गया यानी मात्रा चिन्ह स्वर वर्ण रे मोनो बनी रे यानी आ आ ई रे के एस कर गे ताइना ओडो भोजा बनी यानी व्यंजन वर्ण रा दो बनुआ यानी काका कागा रे भोजा बनी काका कागा रे बनी तुम चीना को कहा तैना नेहरा हिंदी को इतुना। तो इसे हम लोग हिंदी से जानते हैं बनी तुम चीना को इसे हम लोग मात्रा चिन्ह कहते हैं। मात्रा चिन्ह स्वर वर्ण में यानी आ आ ई ई में अकेला ही होता है व्यंजन वर्ण में नहीं होता है यानी काखा गागा में ये नहीं होता है बानी तोम चिना को यानी मात्र चिन्ह नहीं होता है। अब इन सारे वाक्यों को और अच्छी तरह से डिटेल में आगे हम लोग जानेंगे। पुनुचित लेखाते बानी तोम बार तारे हटिंग करना पुनुचित यानी उच्चारण लेखाते बानी तोम बार तारे हाटिंग करना पहला तना देंगाय बनी तुम चीना को और दूसरा तना जिले बनी तुम चीना को दो ना वो हिंदी ते इतना उच्चारण के हिसाब से मात्रा चिन्ह दो भागों में बटी हुई है। पहला है देंगाय बनी तुम चीना को इसकी हिंदी हो जाएगी हिंदी हो जाएगी अल्प मात्रक चिन्ह और दूसरा है जिले बनितों चीना को इसकी हिंदी हो जाएगी दीर्घ मात्रिक चिन्ह। अब इन दोनों के बारे में यानी अल्प मात्रिक चिन्ह और दीर्घ मात्रिक चिन्ह के बारे में और विस्तार से आगे हम लोग जानेंगे। बनी तुम चिन्ह को यानी मात्रा चिन्ह का पहला होबा हुआ दिंगय बनी तुम चिन्ह नियारा हिंदी होबा हुआ अल्प मात्रिक चिन्ह तो छोटा आरा मात्रा चिन्ह होबा हुआ हलंत छोटे ईरा मात्रा चिन्ह होबा हुआ हर्षी छोटा उरा होबा हुआ हसु पढ़ो एरा होबा हुआ ए पढ़ो ओरा ओ अंग अंग चिन्ह आरा होबा हुआ आ मात्रा चिन्ह तो नया को दिंगाय बनितो चिनारे ना आबू हिंदी तेबु बनितों चिन्ह को यानी मात्रा चिन्ह इसकी पहली होती है दिंगाय बनितों चिन्ह इसे हम लोग अल्प मात्रिक चिन्ह कहते हैं। तो इसमें छोटा आ इसका मात्रा चिन्ह होगा हलंत छोटी इसकी मात्रा चिन्ह होगी हर्षी छोटा उ इसकी मात्रा चिन्ह होगी हर्षु एक एक ओ मात्रा चिन्ह अंग का अंग मात्रा चिन्ह और अह का मात्रा चिन्ह। तो अब इसकी हम लोग दूसरे भाग में हम लोग जाएंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बनी तुम चिन्ह को यानी मात्रा चिन्ह का दूसरा होगा हुआ जिलिंग बनी तुम चिन्ह नेहरा हिंदी तना दीर्घ मात्रिक चिन्ह दो बड़ा आ
चिन्ह बाबा बड़ा के मात्रा बड़ी बड़ी रा मात्रा चिन्ह बाबा दीर्घी बड़ाऊ न्यारा बड़ाऊ की मात्रा पढ़ो आए आयरा आय की मात्रा चिन्ह तो नाबू हिंदी ते इधर बनी तुम चिन्ह को यानी इसकी हिंदी है मात्रा चिन्ह। इसकी दूसरी भाग है जिलिंग बनितों चिना, इसे हम लोग हिंदी से कहते हैं दीर्घ मात्रिक चिन्ह। तो बड़ा आ इसकी मात्रा चिन्ह है, बड़ा आ की मात्रा बड़े इसकी मात्रा चिन्ह है, दीर्घ ई की मात्रा बड़ा उ इसकी मात्रा चिन्ह है, दीर्घ उ और आय की मात्रा चिन्ह है आय की मात्रा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब तक हमने जाना बनितों चिन्ह को यानी मात्रा चिन्ह के बारे में, मात्रा चिन्ह के दो भागों के बारे में जिसे हम लोग दिंगाई बनितों चिन्ह और जिलिंग बनितों चिन्ह कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और अभी तक मैंने जो जो बताया है अगर उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट करिएगा और हाँ याद से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नाबू इतना बनी हिसी न्यारा हिंदी हो बाबा वर्णमाला। तो अब इतना वर्णमाला यानी बनी हिसी न्यारा रचना चुना है जुआ स्वर वर्ण यानी मुनु बने व्यंजन वर्ण यानी भोजा बानी, भोजा बानी। तो आई मोनो बानी यानी स्वर वर्ण भोजा बानी यानी व्यंजन वर्ण रा आई वीडियो डिटेल ते सीधा रेगे वीडियो बाय करें मोनो बानी उड़ो भोजा बानी रा वीडियो आपे सीधा रा एपिसोड को ले ले पे ना आई आयर ते उद्भवी बनी हिसे, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्ण माला। तो इनमें क्या क्या आती है, वर्ण माला में क्या क्या आती है, मोनोबानी भोजाबानी यानी स्वर वर्ण और भोजाबानी का व्यंजन व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में पिछले एपिसोड्स में मैंने बता रखा है, आप लोग उन वीडियोस को जरूर देखें। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पर मैं समय नहीं गवाऊंगा, आप लोग उसकी वीडियोस पहले एपिसोड्स पे देख लीजिएगा। मैं अगला टॉपिक पे आता हूँ, अगला टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ। अनुचित लेखाते भोजावाणी को नेका हटिएगा, नेया को भोजावाणी के अनुचित मेनते हटिए गणा। तो पहला तना ओद टोटना ते, ओ टोटना ते अबो टोटना ते बोजा बानी रा हुबावा का खा गा खा अंगा। तो नेया को उच्चारण तना पुचिलो तना ने नेता ते टोटना ते लेकर का खा नेता ज्यादा जोर हुबा तना तो का खा गा घा तलुआ ते अबुआ तलुआ नेतारा नेता ते उकना उकना उच्चारण हुआ बोझा बानी रा इना तना च छ ज झ इया। इना बाद अगला तना ले आज तालु ते अबुआ ले कोडो तालु ते उकना उकना उच्चारण हुआ तना इना को ता था डा ढा अना न्यारे अबुआ ले उड़ो तालु बारना ते अबु उच्चारण करना है ना मेन तेके ता था डा ढा अना इना बात तना डाटा ते नया अबु ज्यादा डाटा डाटा ते उच्चारण ये अबु दो ता था डा ढा ना इना बात लास्ट हो बावा लाचोते लाचोते अबुआ लाचोते नेया को हो बाबा पा हा बा
हिसाब तेगे हटिंग करना ना वो हिंदी ते वो जितना अनुचित लेखा ते भोजावानी को नेका हटिंग करना इसकी इसे अगर हम लोग हिंदी से जानेंगे तो पुनुचित यानी उच्चारण के हिसाब से भोजावानी को पांच प्रकार मतलब इतने सारे प्रकार में हम लोग बांटे हुए हैं। तो पहला है कंठ से यानी उद टुटुणा ते। हम लोग जो अपने कंठ से उच्चारण करते हैं जो आवाज आती है वर्णमाला के हिसाब से वो होती है क ख ग घ अंग। उसी प्रकार अगला है तालु से मतलब हमारे जो तालु हमारे तालु से जो आवाज निकलती है उच्चारण होती है वो होती है च छ ज झ इय। और अगला है मुर्दा से यानी ले आर तालु ते मतलब हमारे जीभ और तालु से जो आवाज निकलती है उसे हम लोग किस तरह के वर्णमाला में क्या क्या आती है वो ट ठ हमारे जीभ भी लग रही है और तालु भी लग रही है ट ठ ड ढ अणा। इसलिए इसे हम लोग मुर्दा से में बांटे हुए। अगला है डाटा ते यानी दंत से हमारे दांतों से हम लोग इस इन सबको उच्चारण करने में दांत का प्रयोग ज्यादा लगाते हैं त थ द ध न। और लास्ट है हमारा लाचोते यानी ओष्ठ से तो हम लोग हमारे ओष्ठ से जो आवाज निकलती है जो ध्वनि निकलती है उच्चारण जो होती है वो है प फ। देखिए आप लोग खुद ही देख सकते हैं प फ ब भ म। तो इस प्रकार आप लोगों ने देख लिया कि कोई आवाज हमारे कंठ से निकल रही है कोई आवाज हमारे दांत से निकल रही है कोई आवाज हमारे ओष्ठ से निकल रही है। तो हमारे जो उच्चारण करने में जो आवाज निकल रही है इन वर्णमाला के भोजावानी में तो इस वजह से हम लोग इन प्रकारों में भोजावानी को बांटे हुए हैं समझते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आप लोगों को इस पे जो आज मैंने बताया है अगर आप लोगों को दिक्कत आएगी तो आप लोग मुझे बेझिझक कमेंट करिएगा मैं सभी का उत्तर दूंगा और अच्छी तरह इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जोहार।